सफलता के शिखर पर विराजमान लोगों में एक चीज कॉमन है कि उन्होंने कभी किसी चीज का घमंड नहीं किया। हेलो गाइस, प्रस्तुत है एक कमाल की स्टोरी। एक बार की बात है कि एक हंसों का झुंड समुद्र के ऊपर से गुजर रहा था और उसी जगह एक कौवा भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों को उपेक्षा की नजरों से देखा कि तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भर लेते हो। कौवा मजाक के लहजे में बोला, तुम लोग और कर ही क्या सकते हो, क्या तुम मेरी तरह फुर्ती से उड़ सकते हो, बस अपने पंख फड़फड़ा सकते हो, क्या तुम मेरी तरह कलाबाजियां दिखा सकते हो, नहीं तुम तो ठीक से जानते भी नहीं कि उड़ना किसे कहते हैं। कौवे की बात सुनकर एक वृद्ध हंस बोला, अच्छी बात है कि तुम ये सब कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए। मैं घमंड वमंड कुछ नहीं जानता, अगर तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला कर सकता है तो सामने आए और मुझे हरा कर दिखाए। एक यंग हंस ने कौवे की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और तय ये हुआ कि कंपटीशन दो पार्ट में होगा। पहले पार्ट में कौवा अपने कर्तव्य दिखाएगा और हंस को भी वही दिखाना होगा और दूसरे पार्ट में कौवे को हंस के कर्तव्य दोहराने होंगे। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले चरण की शुरुआत कौवे ने की और एक से बढ़कर एक कलाबाजियां दिखाने लगा। वह कभी गोल गोल चक्कर खाता तो कभी जमीन छूते हुए ऊपर उड़ जाता। वहीं हंस उसके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाया। कौवा अब और भी बढ़ चढ़कर बोलने लगा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता। फिर दूसरे चरण की शुरुआत हुई। हंस ने उड़ान भरी और समुद्र की ओर उड़ने लगा। कौवा भी उसके पीछे हो लिया। यह कौन सा कमाल दिखा रहे हो, भला सीधे सीधे उड़ना भी कोई चुनौती है, सच में तुम बिल्कुल ही मूर्ख हो, कौवा बोला। पर हंस ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप उड़ता रहा। धीरे धीरे वो जमीन से बहुत दूर होते चले गए और अब कौवे का बड़बड़ाना भी कुछ कम होता गया और कुछ ही देर में बिल्कुल ही बंद हो गया। कौवा अब बुरी तरह से थक चुका था, इतना कि अब उसको खुद को हवा में रखना भी मुश्किल हो रहा था और वह बार बार पानी के पास पहुंच रहा था। हंस कौवे की स्थिति समझ रहा था पर उसने अनजान बनते हुए कहा कि तुम बार बार पानी क्यों छू रहे हो, यह कौन सा कर्तव्य है तुम्हारा। कौवे की हालत खराब हो रही थी। नहीं, यह कोई कर्तव्य नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अब बिल्कुल थक चुका हूँ, मुझे बचा लो, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी, अब मैं कभी भी घमंड नहीं करूँगा। हंस को कौवे पर दया आ गई। उसने सोचा कौवा सबक तो सीख ही चुका है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब उसकी जान बचा लेनी चाहिए। उसने कौवे को अपनी पीठ पर बिठाया और समुद्र तट की ओर चल दिया। इसलिए दोस्तों, हमें घमंड या अहंकार में ज़्यादा नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि आसमान से गिरोगे तो जमीन पर ही आओगे और सामना उन्हीं लोगों से होगा जिन्हें अब तक आप ठुकराते आए हो। और घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, फिर हम तो आम इंसान हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।